नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो फैक्ट्स नोइंग। मेरा नाम है विशाल। इंसान हर दिन हर सेकंड सांस लेता है और छोड़ता है, जिसे हम श्वसन क्रिया कहते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह बात आप सभी को पता है। सांस लेना और छोड़ना यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग है, यह आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। पर इस वीडियो में आप कुछ अनोखी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता होगी, तो वीडियो को पूरा देखिए। सांस लेने के दो रास्ते होते हैं, नाक से और मुंह से। पर हम कभी कभार या गलती से मुंह से सांस लेते हैं, पर मुंह से सांस लेना यह गलत रास्ता है, क्योंकि जब हम मुंह से सांस लेते हैं तब आसपास के धूल मिट्टी के कण हमारे जीभ पर आके चिपक जाते हैं, और हम जब कुछ खाते पीते हैं तब जीभ पर चिपके हुए कण हमारे पेट में जाके गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं। सही तरीका है सांस लेने का वह नाक है, क्योंकि जब हम नाक से सांस लेते हैं तब आसपास के धूल मिट्टी के कण हमारे नाक से पेट में नहीं जा सकते, क्योंकि नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। इस कारण जब हम नाक से सांस लेते हैं उस वक्त जो भी धूल मिट्टी के कण हमारे नाक के बालों पर चिपक जाते हैं या अटक जाते हैं और पेट में जाने से रोकते हैं। इसका सबूत अगर देखा जाए तो आपने कभी ना कभी नाक में उंगली डालकर कचरा निकाला होगा, तब आपके हाथ में काला रंग का या चिपचिपा पदार्थ आपके हाथ में लगा होगा, वह धूल मिट्टी के कण होते हैं, सांस लेते वक्त नाक में अटक जाते हैं। आशा करता हूँ यह बात आपको समझ गई होगी। चलिए और बातें जानते हैं। अभी हम जानते हैं कि श्वसन क्रिया होती कैसी है। दरअसल हम जब सांस अंदर लेते हैं तब वातावरण से ऑक्सीजन खींचते हैं, और ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाता है और फेफड़े उस ऑक्सीजन को हमारे खून में मिला देते हैं, या यूँ कहें कि वो ऑक्सीजन हमारे खून की, और इस सब क्रिया करने में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है जो हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं। सांस लेने और छोड़ने में फेफड़ों का महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर मैं फेफड़ों की बात करूँ तो फेफड़े दो होते हैं, दाएं और बाएं तरफ। दाया फेफड़ा बाएं से एक इंच छोटा पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। पुरुषों के फेफड़े महिलाओं के फेफड़ों से कुछ वजनदार होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि गलत तरीके से सांस लेने से हमारी उम्र के साल कम होने लगते हैं। छोटी और अधूरी सांस लेने से इंसान अपनी उम्र घटा लेता है। डॉक्टर के मुताबिक अगर हम सही तरीके से सांस लें तो हम तनाव, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शरीर में एसिड की स्तर को कम कर सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि फिर सांस लेने का सही तरीका क्या है? तो सांस हमेशा नाक से लें, सांस लंबी खींचे और उस सांस को एक सेकंड के लिए रोके, फिर छोड़े। इससे फेफड़ों को अपना काम करने में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और आप स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में यह क्रिया करना इम्पॉसिबल है, बट आप अगर एक जगह के कहीं आराम बैठे हो तो यह क्रिया अवश्य करें। अक्सर आप नोटिस किया होगा कि अचानक और न चाहते हुए भी आप अपनी लंबी सांस हो जाती है। यह इसलिए होता है कि फेफड़े को ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ जाती है, इसलिए हमारी सांस लंबी होती है ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। अभी हम कुछ अनोखी बातें जानते हैं। औसतन एक आदमी एक मिनट में 16 से 20 सांसें लेता है, और अगर एक साल की बात करूँ तो 94,60,800 सांसें लेता है। अगर मैं 70 वर्ष आयु के इंसान की सांसें गिनूँ तो यह रही आपके स्क्रीन पर, आप खुद ही गिन लीजिए। हालांकि यह आंकड़े एकदम सटीक नहीं है, एक अनुमान लगाया गया है। सांस के बारे में बात हुई है तो यह भी जान लो कि सांस रोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड एलेक्स सिंग्रो वेंडरल ने 24 मिनट 3 सेकेंड अपना सांस पानी में रोक के रखा है। यह स्पेन से आते हैं और यह रिकॉर्ड 28 फरवरी 2016 में किया गया। दोस्तों, यह रिकॉर्ड एक प्रोफेशनल द्वारा किया गया है, तो आप घर पर इसका प्रयास ना करें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके